दोस्तों नमस्कार, अनोखा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्रिकेट दुनिया का दूसरा ऐसा खेल है जिसे सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और ये खेल रोमांच का है और जुनून का है। क्रिकेट खेल में खिलाड़ियों को चोट लगना आम बात है और फील्डिंग के दौरान मैदान पर चोटिल होना अक्सर लगा ही रहता है। खेल के दौरान ये आम बात होती है, लेकिन कभी कभी ये चोट भयंकर रूप धारण कर लेती है जिसके कारण खिलाड़ियों की दर्दनाक मौतें भी हो जाती है, जो बेहद ही दुख की बात है। दोस्तों, मैच के दौरान खिलाड़ी की मृत्यु सभी को चकित कर देती है, पूरा क्रिकेट जगत व देश इस घटना से दुखी हो जाता है। तो दोस्तों, चलिए आज हम आपको कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। नंबर एक, रमन लांबा। दोस्तों, रमन लांबा एक भारतीय खिलाड़ी थे। उन्होंने मुख्यतः एक बल्लेबाज के रूप में 4 टेस्ट और 32 वनडे खेले थे। उनकी मृत्यु तब हो गई थी जब वे बंगबंधु स्टेडियम में ढाका क्लब क्रिकेट मैच में शॉर्ट लेग पर बिना हेलमेट के क्षेत्र रन कर रहे थे। दोस्तों, बल्लेबाज मेहराब हुसैन ने गेंद को जोर से मारा और वह लांबा के सिर पर लगी और वापस विकेट कीपर मसूद खालिद के पास पहुंच गई। हालांकि चोट विशेष रूप से गंभीर प्रतीत नहीं हुई, उन्हें एक आंतरिक रक्त स्राव का सामना करना पड़ा और दिल्ली से एक न्यूरोसर्जन को बुलाने के बावजूद शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में रमन लांबा 1986 ऑस्ट्रेलिया कप फाइनल में प्रस्तुत हुए, जहां उन्होंने कपिल देव की गेंद पर अब्दुल कादिर को एक कलाबाजी कैच लेकर आउट किया था। इस मैच में वे एक क्षेत्र रक्षक थे। एक दिवसीय क्रिकेट में उनकी शुरुआत काफ़ी अच्छी रही और उन्होंने अपने पहले ही मैच में 64 रन बनाए और अपने छठे मैच में 102 रन और एक शतक और 2 अर्धशतक के साथ प्रती पारी 55.6 के औसत से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 278 रन बनाने के लिए उन्हें मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। नंबर दो, अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज का जन्म पाकिस्तान के कराची शहर में हुआ था। ये एक बेहतरीन विकेट कीपर और बल्लेबाज थे। ये पाकिस्तान की तरफ से प्रथम श्रेणी के मैच में खेला करते थे। इनकी मृत्यु सीने पर गेंद लग जाने के कारण हुई थी। नंबर तीन, इयान फोले। दोस्तों, इयान फोले दाएं हाथ के इंग्लिश क्रिकेटर थे। इनके साथ ही साथ ये बाएं हाथ के गेंदबाज भी थे। ये शुरुआती दौर में ये मध्यम गति के तेज गेंदबाज थे। आगे चलकर इन्होंने स्पिन गेंदबाजी करनी शुरू कर दी थी। इनकी मृत्यु 30 साल के बेहद कम उम्र में मैच के दौरान हुई थी। नंबर चार, एंडी डुकाट। लॉर्ड्स में 1942 में हुए मैच के दौरान 56 वर्षीय डुकाट का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। नंबर पाँच, जॉर्ज स्मर्स। एमसीसी के खिलाफ लॉर्ड्स में 1870 में एक मैच के दौरान नॉटिंगहमशायर के बल्लेबाजी करते हुए 25 वर्षीय समर्स के सिर पर गेंद लगी। समर्स ने हालांकि कोई उपचार नहीं किया और घर लौट आए। घर लौटने के बाद उनके सिर में फिर से दर्द शुरू होने लगा और इस दौरान उनकी मौत हो गई थी। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल अनोखा ज्ञान को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे Facebook पेज अनोखा ज्ञान को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।